तो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वेरी स्मॉल टॉपिक। तो अगर आपको याद होगा, हमने कल देखा था व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, कूलम्स लॉ। याद है व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R² ये स्केलर फॉर्म था। अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? 1। कौन लगा रहा है? 2। फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? 1। और कौन लगा रहा है? 2। तो 2 इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, अवे पुश करेगा, क्योंकि दोनों क्या है? सेम टाइप के चार्जेस है, मतलब फोर्सेस रिपल से। तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, याद है क्या? यहाँ 1 2 तो यहाँ पे R21 कैप, बराबर। फिर हमने देखा था कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R² R12 कैप। पहले चार्ज को अगर दूसरा चार्ज रिपेल कर रहा है तो दूसरे चार्ज को पहला चार्ज भी रिपेल कर रहा है। यहां तक क्लियर? अब हमको देखना है समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस, अब इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। अब तक आप दो चार्जेस दे रहे थे और दो चार्जेस में कितना फोर्स है वो कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दो ही चार्ज हो सकता है आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस है। तो काम करते हैं, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3, Q4, Qn, 5 होंगे तो n की वैल्यू 5 होगी, 10 होगी तो n की वैल्यू 10 होगी, मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 अप टू Q10। Q1 और 2 में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिनोट करेंगे R12। 1 और 3 में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे R13। 1 और 4 में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे R14। 1 और n में जो डिस्टेंस उसको बोलेंगे R1n। तो ये R12 डिस्टेंस हो गया, ये R13 हो गया, ये R14 है, ये R1n है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो चार्ज Q1 है या फिर चार्ज Q2 है या फिर चार्ज Q3 है, इस पर टोटल फोर्स कितना है? जब तुम सिर्फ दो चार्ज लेते हो तो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R², लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो नहीं बहुत सारे चार्जेस, और हमको फाइंड क्या करना है? किसी भी एक चार्ज पे, मान लो हम Q1 पे फाइंड कर लेंगे, तो व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन Q1? तो वो हमको मिलता है कहाँ से? प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस हमको बताता क्या है पहले वो समझ लो। हमको बताता है कि अगर आपको Q1 पे टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है Q1 पे, तो टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, तो क्या करना, क्या करना, पहले चार्ज पे दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है वो फाइंड कर लेना। वो कैसे लिखते हो? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो जब आप पहले चार्ज पे दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है वो जब आप कैलकुलेट करते हो, तो बाकी चार्जेस का क्या करना? फिर भूल जाना, ऐसा समझ लेना कि बाकी चार्जेस नहीं है। फिर क्या करना? फिर पहले चार्ज पे तीसरा चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट कर लेना, मतलब क्या करना, F13। फिर जब पहले चार्ज पे तीसरा चार्ज फोर्स लगा रहा था तो बाकी चार्जेस क्या कर रहे थे? भूल जाओ उनको, छोड़ दो, ऐसा समझो कि नहीं है वो वहां पे। फिर क्या करोगे? पहले चार्ज पे फोर्थ चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है वो देख लो। ऐसा करते 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 एन तक जाओ और सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस, बराबर। ये तो मैथमेटिकल वे हो गया। अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? व्हेन एन चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, देन फोर्स ऑन एनी चार्ज, जैसे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, क्या है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज? इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ
सम किया, लेकिन किसका किया, वेक्टर्स का किया, वेक्टर सम ऑफ किसका, वेक्टर सम फोर्सेस का, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो देखो स्टेटमेंट में लिखा है, अच्छे से लिखा है एकदम। क्या बोला है, बोला है व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन द गिवन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। मतलब सीधी भाषा में किसी भी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है तो उस चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं, एक-एक करके कैलकुलेट करो और सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर सम। तो कैसे लिखोगे, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग। अब ये इंटरैक्टिंग का मतलब क्या, जब एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है तो उसको बोलते हैं इंटरैक्शन करना, राइट। तो व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग तो आगे क्या क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, तो फोर्स किस पे, ऑन अ गिवन चार्ज इस वेक्टर सम ऑफ, किसका वेक्टर सम, ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो एक काम करेंगे, मतलब सब दिखाई दिया, सिर्फ अभी हम बोल देंगे लेट Q1, Q2, Q3, Q4, Qn बी नंबर ऑफ चार्जेस, और ये जो चार्जेस है इसमें डिस्टेंस कितना है, कितना कितना डिस्टेंस है, लेट R12, R13, R14, R1n बी द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंसेज बिटवीन देम। तो देयर फोर द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज गिवन बाय तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इक्वल टू फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज जोड़ सेकंड चार्ज प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज जोड़ थर्ड चार्ज प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज जोड़ फोर्थ चार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फोर्स ऑन फर्स्ट जोड़ टू, हो गया क्लियर क्लियर। अभी ये जो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड है ये कैसे फाइंड करोगे, ये तो हमने कल ही देखा था, कैसे फाइंड करते हो, क्या था F12, क्या था, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R2, लेकिन कौन सा R12, और अगर इधर 1 2 लिखा है तो डायरेक्शन क्या था, 2 1, तो क्या लिखोगे R21 कैप। और अगर डायग्राम में देखना है तो समझ लेना फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज फ्रॉम 2 टू 1, मतलब ये आएगा डायरेक्शन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इज फ्रॉम 3 टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 इज 4 to 1, फोर्थ ऑन 1 to 2 n इज n to 1। ओके तो ये हो गया पहले का, पहले पे कौन फोर्थ लगा रहा है, सेकंड, फिर कौन लगा रहा है, थर्ड। तो क्या लिखोगे, 1/4 पाई ε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस 1/4 पाई ε0 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R n1 क्या है, हो गया डन। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस, चलो इससे ज्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, बराबर। अभी मेरे को सिर्फ एक बात बताओ, सिर्फ समझने के लिए कि तुमको समझा कि नहीं, अगर मुझे फोर्स ऑन टू निकालना होता तो क्या करते,
जब पहले पे फोर्थ निकला था तो पहले पे दूसरे ने, पहले पे तीसरे ने, पहले ने पहले पे चौथे ने ऐसा किया। हाँ, दूसरे पे पहले चार ने फोर्थ लगाया होगा, दूसरे पे तीसरे ने लगाया होगा, दूसरे पे फोर्थ भी चार फोर्थ लगाएगा। F2 करेक्ट। सिर्फ याद रखना F11, F22, F33, F44 ऐसा नहीं आता है जरूरी, क्योंकि कोई भी चार्ज खुद पे फोर्स नहीं लगाता, कोई भी बॉडी खुद पे फोर्स नहीं लगाती। एग्जाम्पल, और आप पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है और खुद पे फोर्स नहीं लगाता, राइट? तो वैसे एक चार्ज खुद पे कभी फोर्स नहीं लगाता है। क्लियर यहां तक? पक्का? व्हाट इज द फोर्स ऑन थर्ड चार्ज? F31 प्लस F32 प्लस F34 प्लस F35 चलता जाएगा। चलो ठीक है, गुड। तो अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 10.1, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम पानी में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है पूछा है। ओके, आपको पता होना चाहिए जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, क्योंकि कोई भी एटम हो जो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल बना जैसे कि H2O, वाटर H2O, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तो एक प्रोटॉन, मतलब एक पॉजिटिव तो एक पॉजिटिव, दूसरे हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 16, 16 है ना? बराबर, पक्का? 8 होता है, 8। हाँ, 8 होता है। नॉर्मली ऑक्सीजन तुम बोलते हो तो वो O2 की बात कर रहे हो, तो इससे तुम 16 बोलते हो। तो ये छोटे छोटे चीजें याद होने चाहिए। तो 8 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, H2O में तो 10 प्रोटॉन। सही है, आगे क्या बोला है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट। तो पहले भी पूछ लिया कि कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव, फिर वापस पूछ रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, ओके। गिवन मॉलिक्यूलर मास इज 18 ग्राम। अब सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये मॉलिक्यूलर मास क्यों दिया है, इसका रीजन है। जिस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है, उसका मतलब होता है उस सब्सटेंस के 18 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे H2O का 18 ग्राम है, इमेजिन, सपोज, एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सपोज मैंने आपको नाइट्रोजन गैस बोला, N2, मैंने आपको बोला कि N2 का मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम है, तो क्या मतलब होगा उसका? नाइट्रोजन के 28 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एवोगैड्रो नंबर। मैंने अगर आपको बोला O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम है, तो मतलब क्या होता है? 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है? एवोगैड्रो नंबर। मैंने अगर आपको बोला हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम है, 2, मतलब क्या होता है? 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अभी अगली बार से याद रखना, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज 18 ग्राम। इट मीन्स दैट, क्या क्या बताता है तुमको? इट मीन्स दैट 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एनए मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। समझ आया था? यहां समझ में आया? तो अगर 18 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर है, तो 1 ग्राम में कितना है? बताओ। अरे 18 ग्राम में, 18 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर है, तो 1 ग्राम में कितना है? सिर्फ ये 18 को डिवाइड कर दो तो Na/18, सिंपल। तो 1 ग्राम कंटेन्स Na/18। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Na? 6.023 × 10²³ / 18। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं किसमें? 1 ग्राम वाटर में। मैं इसको फिलहाल कैपिटल एन बोल देता हूँ। तो 6.023 / 18 है,
6.023/18, मतलब 1/3 के आसपास है। 1/3 0.33 होता है, कितना होता है 0.33। तो तुम देखो वही आएगा, 100% वही आएगा, 0.33 के आसपास आएगा। 6.023/18 ये कितना है 0.3346, तो 0.3346 × 10^23, तो मैं लिख देता हूँ इसको 3.346 × 10^22। तो 1 ग्राम पानी में, मतलब तुम जब 1 ग्राम पानी पीते हो, मतलब तुम 3.346 × 10^22 वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हो। ओके गुड, क्लियर यहां तक हो गया? तो आपको पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। हाउ मच प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच मॉलिक्यूल। सो ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स, ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स 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 कितना प्रोटॉन एंड कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन। अरे अभी तो बताया था H में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे H में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो तो यही हो गए, और ऑप्शन में कितने हैं 8। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स कितना टोटल 10, 10 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्यों फाइंड किया, तुमको पूछा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट। तो देयरफॉर ये ईच मॉलिक्यूल में है, एक मॉलिक्यूल में, और 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं n। देयरफॉर 1 ग्राम वाटर कंटेंस 10 × n, 10 × n क्या प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड 10 × n इलेक्ट्रॉन्स बराबर। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किसमें किसमें इन इन 1 ग्राम ऑफ वाटर एस कितना होता है। हाँ तो 10 × n है, तो n को सब्स्टिट्यूट करो ना, 3.346 × 10^22, मतलब ये आ जाएगा 3.346 × 10^23 बराबर। सही है, तुमको पूछा था हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। हाँ 1.6 × 10^-19 कूलम। तो टोटल चार्ज कौन सा, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, इन 1 ग्राम ऑफ वाटर इज 1 ग्राम में टोटल टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे। अरे 1 ग्राम में मॉलिक्यूल तो 3 × 3.346 × 10^22 बराबर। ये यहाँ तक ये था 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है, ये था 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है मॉलिक्यूल, ये क्या है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ई ई। तो मैंने क्या बोला टोटल चार्ज इन 1 ग्राम, तो क्या करोगे 3.346 × 10^23, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे ई से, तो कितना आएगा 3.346 × 10^23 × 1.6 × 10^-19। 23 और -19 कितना आ गया 4, 3.346 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो 3.346 किससे मल्टीप्लाई करोगे 16, मतलब 1.6, 1.6 कितना आएगा 5.5.5.6
5 समथिंग समथिंग विद टेंड टू 4 कूलम्ब, हो गया, यही आंसर आना चाहिए। देखो भी एग्जैक्ट आंसर क्या बोला है उन्होंने, 5.35 इंटू 10^4 कूलम्ब, तो हमारा भी तो वही आया फिर, हो गया। आपको बोला क्या था, 1 ग्राम पानी में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है, मतलब कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन है और चार्ज कितना है। तो जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, चार्ज ऑफ ईच प्रोटॉन और ईच इलेक्ट्रॉन। तो प्रोसेस क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उल्टा सोचना पड़ता है उल्टा। अगर मुझे 1 ग्राम पानी में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है फाइंड करना है, तो उल्टा सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि पानी मतलब H2O, तो H2O के एक मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, यहां से सोचना स्टार्ट करूंगा। तो H में एक, दूसरे H में एक और O में 8, मतलब एक मॉलिक्यूल में 10, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मुझे पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो मैं 10 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे पता लगेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास अगर 18 ग्राम होता है, तो मतलब क्या है, 18 ग्राम पानी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एवोगैड्रो, तो 1 ग्राम में कितने हैं, एवोगैड्रो बाई 18, जो आ जाता है 3.346 × 10^23। मतलब हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3.346 × 10^22 सॉल्व करने के बाद, एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय वो सब करने के बाद, हाँ 6.032/18 करने के बाद कितना आता है, 3.346 × 10^22, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर एक मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव चार्ज था, 10, नेगेटिव कितना था, 10, तो उसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 3.346 × 10^23, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हो गया। अभी क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज, तो हर एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 × 10^-19, तो 3.346 × 10^23 × 1.6 × 10^-19, ये सब करने का कितना आता है, 5.35 × 10^4, क्या डिफिकल्ट था, कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, तो अच्छे से समझ लो, सिंपल है बहुत। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, 1.6 × 10^-19 कूलम्ब। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10^2, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10^-19 कूलम का चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स तुमको लगने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन है। आया क्वेश्चन समझ में, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10^-19 कूलम, तो व्हाट इज 1 कूलम, व्हाट इज 1 कूलम, 1/1.6 × 10^-19 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये काम करते हैं, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है, ये 1.6 का पॉइंट हटा देता हूं, 16 × 10^-20 इलेक्ट्रॉन्स इज 1 कूलम, हो गया, गुड। आपको अगर याद होगा, मैंने आपको 2-3 बार बताया है, 1/2 इज 0.5, 1/4 इज 0.25, 1/8 इज 0.125 एंड 1/16 इज 0.0625, तो 1/16, व्हाट इज 1/16, व्हाट इज 1/16, अभी तो बताया 0.0625, तो 1 कूलम इक्वल टू 1/16 मतलब 0.0625, और ये 10^-20 ऊपर आके 10^+20 हो जाएगा। ये 0.06 को है ना, मुझे लिखना है 6.25,
10^-2 और 20 तो कितना हो गया 18। तो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एंड कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच आर 10^-15 अपार्ट, 10^-15 मीटर अपार्ट। वैल्यू ऑफ जी इज 6.674 इंटू 10^-11 मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10^-27 किलोग्राम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले ना दिया क्या क्या है, आपको क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट एंड कंपेयर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करो और कंपेयर करो। कंपेयर करना मतलब रेशो लेना, क्या करना रेशो लेना। तो आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है वो देखो। आपको बोला है कि दो प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा वो फाइंड करो। आपको बोला है कि दो प्रोटॉन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा वो भी फाइंड करो और इन दोनों को कंपेयर करो, मतलब इन दोनों का रेशो ले लो, राइट। और आपको दिया क्या है मास ऑफ प्रोटॉन 1.674 समथिंग समथिंग 10^-27 किलोग्राम, 1.67 10^-27 किलोग्राम हो गया। और जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.674। मैं 67 लिखूंगा, मैं 67 तक ही लिखने वाला हूँ, 10^-11 मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ओके। और दोनों में डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 10^-15 मीटर। तो जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैं और बता देता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जहां जहां चार्जेस हो, जहां 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 चार्जेस हो वहां वहां क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां जहां मासेस हो वहां वहां क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्रोटॉन का चार्ज भी है और प्रोटॉन पे मास भी है, तो दो प्रोटॉन एक दूसरे पे दो फोर्सेस एग्जर्ट करने वाले हैं। कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो रिपल्सिव होता है हमेशा, और ग्रेविटेशनल वो हमसे क्या होता है अट्रैक्टिव। तो फिर फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R² Q1 पहला चार्ज कौन था प्रोटॉन, दूसरा चार्ज कौन था प्रोटॉन, तो व्हाट इज Q into Q Q², व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन E, तो क्या लिखूंगा मैं A² है ना, क्योंकि दोनों प्रोटॉन थे इसके लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है G m1 m2 by R² पहला मास कौन था प्रोटॉन, दूसरा कौन था प्रोटॉन, बराबर हो गया फॉर्मूला रेडी ओके। तो अभी सॉल्यूशन में सिर्फ आपको डालनी है वैल्यू सिंपल। तो Fe = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E² by R² आपको मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है 10^-9। E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10^-19 का स्क्वायर। R कितना दिया है 10^-15, इसका क्या होगा स्क्वायर ओके 9 × 10^-9 × 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56। 10^-19 का होता है 10^-38, 10^-15 का होता है 10^-30। ऊपर 38 माइनस, अच्छे से देखो नीचे 30 माइनस, तो ऊपर कितना बचा 8, -8 -8 और +9 1, वेरी गुड। तो कितना हो गया 9 × 2.56 × 10, मतलब बेसिकली 9 × 25.6, तो 25.6 × जो भी दिया है वो ओके। तो ये वैल्यू आ रही है सब सॉल्व करने के बाद। अरे तो गड़बड़ हो गया, वैल्यू क्या दिया हुआ है, अच्छा मैंने डायरेक्ट रेशो ले लिया, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 25.6 × कितना है 230.4 न्यूटन, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बराबर बराबर है ना।
ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या पूछा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होता है? जी एमपी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जी कितना है? 6.67 × 10⁻², -11। दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, यस। एमपी कितना है? 1.67 × 10⁻², -27² भी दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, यस। अपॉन डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 10⁻²-15 का स्क्वायर। अभी देखो, रफली रफली बता रहा हूँ, 1.6 का स्क्वायर 2.56। चलो ठीक है, एग्जैक्टली कर लेते हैं। 1.67 × 1.67, 2.7889, साथ में कौन था बाहर? 6.67 × 6.67 कितना आ गया? 18.60। 18.60 × 10⁻²-27 का स्क्वायर, -54। नीचे -30, -54 और -30, -24 और -11, -35। अरे 54 में से 30 गए, -35 न्यूटन। तो ज्यादा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है कि ग्रेविटेशनल है? ग्रेविटेशनल माइनस है, 10⁻²-, 10⁻³० का समझ में आ रहा है? 0.00000035। उसके बाद एक नंबर आएगा, तो ये निग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट है ही नहीं, ऐसा समझ के चलो। तो कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है, ग्रेविटेशनल की इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक, वेरी गुड। अभी सिर्फ क्या बोला तुमको? रेशियो निकाल लो। चलो रेशियो अभी निकाल लेते हैं। रेशियो बोला है ना? हाँ निकाल लेते हैं। ये कितना था? 230.4 अपॉन ये कितना आया? 18.60 × 10⁻³-35। -35 तो सीधा जाके ऊपर, +35, तो 230.4 डिवाइड बाय 230.4 डिवाइड बाय 18.6, 12.38। 12.38 × 10⁻³। यूनिट क्या आएगा? यूनिट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स अपॉन फोर्स है, तो डायमेंशनलेस होता है वो। दो सेम क्वांटिटी का रेशियो डायमेंशनलेस होता है। हो गया।